नमस्कार, मैं रेखा शर्मा, राष्ट्र महिला आयोग की चेयरपर्सन इंचार्ज। आप जो कैंपेन कर रहे जा रहे हैं स्त्री मानुष, ये दोनों मुझे लगता है इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं। पहले पॉजिटिव बोलूँगी। पॉजिटिव इसलिए कि किसी ने सोचा कि स्त्री भी मानुष है, अ वुमन इज़ ऑल्सो अ पर्सन, ह्यूमन बींग। दो हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी राइट देता है इक्वल, और समाज में भी इक्वल राइट्स हैं, लेकिन ये सिर्फ पेपर्स पे, और क्योंकि मैं ऐसी कुर्सी पे बैठी हूँ और रोज़ देखने को मिलता है कि ऐसा पेपर्स में ही है, हकीकत में नहीं है। आपकी ये जो कैंपेन है इसके द्वारा लोगों तक पहुँचना कि हम इक्वल हैं, ये कहने के लिए लोगों तक पहुँचना, ये बहुत बड़ी बात है। ये पॉजिटिव है। और नेगेटिव इसलिए क्योंकि आज भी हमें ये ज़रूरत पड़ रही है ये कहने की कि हम इक्वल हैं। ये क्यों नहीं, प्रकृति ने हमें इक्वल बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन ने, समाज में सब कुछ इक्वल है, बट फिर कहाँ हम कमी रह गई कि हमें वो राइट्स नहीं मिले, और आज भी हमें ये कैंपेन द्वारा कहना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा दर्द होता है कि जहाँ हम समाज में अब स्त्री का रोल कहते हैं कि बहुत आगे बढ़ के सोशल उसमें कॉजेज़ के लिए लेडीज़ काम कर रही हैं, वेमेन आर वर्किंग, वहीं हमें कैंपेन करना पड़ता है इन चीज़ों के लिए, अपने राइट्स के लिए। दो, चलिए देर आए दुरुस्त आए, हम समाज में कुछ छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन हो तो अच्छा है, और पॉजिटिविटी के लिए हो, स्पेशली औरतों के लिए जो कि जनसंख्या में 50% हैं, लेकिन राइट्स के मामले में हम अभी कहीं बहुत बहुत दूर हैं। स्पेशली जो हमारा निचला स्तर है समाज का, वहाँ जो औरतों का आज भी जो हाल है, वो मैं रोज़ ही, ये मेरी सारी फाइलें उन्हीं से भरी हैं। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा स्टेप है, हम छोटा सा भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकें तो आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। मैं लोकमत news.in के इस स्त्री मानुष कैंपेन को मैं सपोर्ट करती हूँ और उनके साथ हूँ।